हेलो स्टूडेंट, आज हम RBSC 10th का 15th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सर्किल बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्किल कैसे बनता है। किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, उससे अगर डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए अगर एक लोकस हम खींचते हैं, एक लोकस यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ एक सेम डिस्टेंस पे अगर हम एक लोकस क्रिएट करते हैं, तो ये इसी पॉइंट से अगर सारे ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हैं तो एक क्या कर देते हैं, क्रिएट सर्किल एक क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे इसकी डिस्टेंस, इस वाले की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, सबकी डिस्टेंस सेम होती है जिसको हम रेडियस बोलते हैं। लाइक एज एक खूंटे से किसी भैंस को बांध रखा है, ये भैंस ने रस्सी को बिल्कुल खींच रखा है। अब ये खींचे हुए रस्सी को पूरा ऐसे सर्किल बना के ऐसे पूरा घूम जाएगी, तो इस रस्सी की लेंथ तो सारी साइड से सेम ही रहेगी। वैसे ही इसी में होता है सर्किल में कि रेडियस जो रहेगी वो सब तरफ से क्या रहेगी, सेम रहेगी। देन हमें सर्किल पता लग गया कि सर्किल बनता कैसे है कि किसी भी पॉइंट से सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे अगर एक लोकस खींच दिया जाए। लोकस का मतलब अब भी आएगा तुम्हारे चैप्टर में, लोकस होता है बिंदुओं का समूह है, बिंदु पथ, कि कितने भी डॉट्स आ जाएं उनको लोकस बोलते हैं। देन क्लियर दैट कि सर्किल बना कैसे है। अब सर्किल के अंदर कुछ चीज़ें आती है जो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो मिडिल में होता है उसको बोलते हैं सेंटर, जो सबसे मिडिल में आएगा उसको बोलेंगे सेंटर। देन आफ्टर, अभी मैंने बताया रेडियस कौन सी होती है, अगर खूंटे से किसी भैंस को बांध रखा है तो ये जो रस्सी होती है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, जो यहाँ पे शो हो रखा है आपको। देन आफ्टर टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट लाइन, कि सर्किल में बाहर जो सर्कमफ्रेंस होती है, जो पूरा घुमा हुआ है पार्ट, इसको बोलते हैं। देन ये क्या बन गया, सर्कमफ्रेंस। अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई भी लाइन टच करके जाती है वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है रेडियस से, वो तो बाद में हम पता लगेंगे। अगर किसी भी सर्कमफ्रेंस को कोई लाइन बिल्कुल टच करते हुए जाती है उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। देन आफ्टर डायमीटर क्या होता है, डबल रेडियस हो जाए, जैसे 1 रेडियस तो यहाँ हो गई और 1 रेडियस यहाँ हो गई, डबल रेडियस बन गई बिल्कुल सीधी लाइन में, तो ये पूरी की पूरी सीधी लाइन क्या बन गई, डायमीटर। कोर्ड क्या होती है, कोर्ड, कि किसी भी सर्किल की सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस को हम जोड़ दें वो कोर्ड बन जाती है। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस थी, यहाँ भी सर्कमफ्रेंस हमने जोड़ दिया, ये कोर्ड है, ये कोर्ड है और ये वाली भी कोर्ड है, लेकिन ये सेंटर से गुजर रही है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो सेंटर से कोर्ड जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो क्या बन जाता है, डायमीटर, या फिर लॉन्गेस्ट कोर्ड इन सर्किल वो भी क्या होती है, डायमीटर। इससे लॉन्गेस्ट कोर्ड कोई हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, बिकॉज ये सबसे जो लंबी कोर्ड होती है वो डायमीटर होती है। अगर इस हम इससे लंबी बनाना चाहें, हम नीचे की साइड जाएं क्योंकि ऊपर से तो छोटी बनती आ रही है, अगर हम नीचे भी कोर्ड को अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इससे छोटी बनेगी। तो सबसे जो बड़ी कोर्ड होती है वो डायमीटर होती है। सेकंड लाइन क्या होती है, इसको बोलते हैं छेदक रेखा, मतलब जो सर्किल को क्या करे, छेद कर जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ये इतना ही होता, अगर ये लाइन यहाँ से और यहाँ से टच होती बिल्कुल, तो ये कोर्ड बन जाती, बट अभी ये इसके अंदर से गुजर रही है, पास कर रही है, देन इसको क्या बोलेंगे, सेकंड लाइन। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेंटर क्या होता है, बिल्कुल मिडिल में होता है, डायमीटर पूरी लंबी लाइन है, एंड कोर्ड, कोर्ड यहाँ पे हो गई। आफ्टर देन हम बात करते हैं इसके माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट क्या होते हैं। तो अभी देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई सर्किल है, यहाँ पे 2 रेडियस हमने ड्रॉ कर दी। अब 2 रेडियस से सर्किल डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, एक तो अपर पार्ट है, एक नीचे दूसरा पार्ट है, डाउन पार्ट। तो अगर इसको नाम दिया जाए पूरे को, तो इसको बोलते हैं हम सेक्टर, और ऊपर वाले को भी बोलते हैं सेक्टर। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सेक्टर सेक्टर है, तो इसमें सेक्टर तो दोनों भी हो सकते हैं, इसलिए जो बड़ा सेक्टर होता है उसको हम बोल देते हैं मेजर सेक्टर, और नीचे वाले को बोल देते हैं हम माइनर सेक्टर, जो कि इस पिक्चर में यहाँ पे शो किया गया है, अप साइड मेजर सेक्टर और डाउन साइड माइनर सेक्टर। आफ्टर देन अगर सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट कैसे होता है, तो देखिए सेगमेंट भी बता देता हूँ मैं आपको, सेम उसी की प्रोसेस है। एक सर्किल होता है, अगर फिर से इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, तो अभी तो हम देखें तो ये तो सेक्टर ही है, अप साइड और डाउन साइड,
बट अगर सेगमेंट की बात आई तो एक लाइन और ड्रॉ कर दो जिसको कोर्ड बोलेंगे। कोर्ड और सर्कमफ्रेंस के बीच में जो एरिया बच गया हम इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट और अपसाइड वाला हो गया मेजर सेगमेंट। तो ये यहाँ पे पिक्चर में आपको शो कर ही रखा है कि ये अपर वाला हो गया मेजर सेगमेंट और डाउन साइड माइनर सेगमेंट। अब बात आती है इनके एरिया भी निकालेंगे इनका। तो देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में मैंने शो कर रखा है कि कोर्ड और सर्कमफ्रेंस, कोर्ड और सर्कमफ्रेंस से जो बनता है वो बनता है सेगमेंट और माइनर सेगमेंट और अपसाइड मेजर सेगमेंट। और नीचे वाले को इतना जो आर्क है ये होता है माइनर आर्क और अपसाइड वाला मेजर आर्क। अभी आर्क की लेंथ निकालना और ये भी देखेंगे अपन। उसके बाद में बात करते हैं कि सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी आपको पता लग ही गया कि दो रेडियस के बीच में कुछ नहीं आए तो उसको बोलते हैं सेक्टर। बट अगर दो रेडियस के बीच में क्या आ रहा है, कोर्ड बीच में आई गई, तो हम रेडियस को ऊपर से कट कर देते हैं और सेगमेंट ने जो सर्कमफ्रेंस ने एरिया घेर रखा है उसको हम सेगमेंट नाम दे देंगे। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इसका सेंटर था तो ये दो रेडियस थी, इनके बीच में हमने सेक्टर बना दिया। देन ये दो रेडियस यहाँ पे भी टच थी और इन पे हमने कोर्ड से टच कर दिया, तो ये क्या बन गया, सेगमेंट। तो सेगमेंट तो कोर्ड के अकॉर्डिंग बनता है, कोर्ड और सर्कमफ्रेंस से। और सेक्टर कैसे बनता है, दो रेडियस और सर्कमफ्रेंस को मिला के सेक्टर बन जाता है। आफ्टर देन वी नो अबाउट इट कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है। तो आपको पता है पाई डी होता है डाईमीटर, कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और डाईमीटर जस्ट डबल होता है आर का। तो डायमीटर की जगह हम 2 आर बोल सकते हैं। देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 2 पाई आर। अनदर देन एरिया ऑफ सर्किल यू नो अबाउट इट, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर, आर स्क्वायर और 2 आर में बहुत फर्क है। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर में बहुत फर्क है। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर भी 6 ही बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या करते हैं बच्चे, 3 का स्क्वायर पूछा जाता है वो 2 × 3 कर देते हैं और 6 आंसर बता देते हैं। 3 स्क्वायर दैट मीन्स 3 × 3, 3 × 3 इट्स वैल्यू 9। तो आर स्क्वायर और 2 आर में फ़र्क है, ये ध्यान रखना आप। देन लेंथ ऑफ सेक्टर की बात करें, लेंथ ऑफ सेक्टर देखना भी कि लेंथ अगर निकालनी हो सेक्टर की, जैसे ये सेक्टर था, इसकी लेंथ क्या होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें लेंथ चाहिए इस आर्क की, सिर्फ लेंथ। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस पूरा होता है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का, 2 पाई आर। हमें इसको इतना पार्ट दे देना है इसको, तो ये पार्ट कितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल होता है थीटा। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो होता है थीटा। तो पूरे 2 पाई आर में से हमें करना क्या पड़ेगा, पूरे 2 पाई आर में से थीटा में से 360 उसको दे देंगे। जैसे हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो थीटा, देखो 2 पाई आर तो यहाँ पे बन गया हमारा सर्कमफ्रेंस, थीटा एंगल इसने बना रखा है, ये पूरा सर्किल था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आउटसाइड निकला हुआ है, थीटा इसने एंगल बना रखा है। और कितना एंगल बनता है टोटल, 360 का एंगल बनता है। तो 360 से डिवाइड कर देंगे तो ये सिर्फ लेंथ ऑफ सेक्टर आ जाएगी। ऐसे हम बात करें इसके एरिया निकालने की, तो हमें पता है एरिया क्या होता है सर्किल का, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसने थीटा एंगल बना रखा है, तो इसमें थीटा में से 360 डिग्री इसको दे देंगे। इसका पार्ट इसको दे दिया कि थीटा इसका एंगल, पूरा एंगल 360 है, इसका पार्ट थीटा इसको दे दिया। देन एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 × π r²। नाउ द फॉर्मूला ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं। देन एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 sin θ r²। अभी साइन थीटा की वैल्यू निकालना बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, ये इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम जो आर्म होती है, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, जो वॉच में होती हैं, जो घड़ी में होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत आपके लिए, धन्यवाद।